लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां चुनाव प्रचार का समय है, वहीं कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंदर सिंह कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विजेंदर सिंह बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे और पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले चर्चा थी कि कांग्रेस मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी के सामने विजेंद्र को चुनावी मैदान में उतार सकती है। विजेंद्र सिंह को कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। विजेंद्र सिंह ने ट्विटर के एक्स पर एक लाइन पोस्ट की थी, जिसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थी। उन्होंने लिखा था कि जनता जहां चाहे मैं तैयार हूं। बता दें कि 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए विजेंद्र सिंह को अपने पहले ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भी वह पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन दिसंबर 2023 में उन्होंने सोशल मीडिया पर राजनीति से संन्यास की बात कही थी। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी कि वह वापसी कर सकते हैं। मालूम हो कि विजेंद्र सिंह का राजनीतिक करियर बहुत छोटा रहा है। साल 2019 में कांग्रेस में शामिल होकर उन्होंने साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ा, लेकिन रमेश भदौड़ी के खिलाफ हार गए थे। इसके बाद राजनीति में उनकी सक्रियता कम हो गई और दिसंबर 2023 में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजनीति को राम राम। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि विजेंद्र सिंह राजनीति से दूरी बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो कांग्रेस से ही दूरी बना ली। कुछ भी हो, कांग्रेस से जुड़े नेताओं का कांग्रेस को इस तरह छोड़ना 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं कांग्रेस के लिए भारी न पड़ जाए। राम राम सभी को। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, तावड़े जी, मैंग जी के नेतृत्व में मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिले तारीफ है। जैसे हम बाहर यूके में फाइट करने जाते थे, दुबई में फाइट करने जाते थे, आयरलैंड में फाइट करने जाते थे, तो कई बार एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक बहुत सरल हो कहते बहुत आसान तरीके से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का। और मैं चाहूंगा कि इस गवर्नमेंट में रहकर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कर सकूं, लोगों को सही राह दिखा सकूं। और मैं पहले वाला विजेंदर हूं और जो भी मेरे को लगेगा गलत है, गलत को गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।